और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यामाहा R15 वर्जन 4 के बारे में। हाल ही में कुछ बातें सामने आ रही हैं कि आपको 2021 के एंड में या 2022 के स्टार्टिंग मंथ्स में R15 वर्जन 4 देखने को मिलने वाली है, और इसका जो लुक्स है, मतलब जो ओवरऑल डिज़ाइन रहने वाला है, वो V3 से पूरा ही चेंज हो जाएगा। इसकी जो चेचस बॉडी है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। इस बाइक को और भी एरोडायनामिकली और मस्कुलर लुक दिया जाएगा, और ये V3 से और भी ज़्यादा शार्प और स्पोर्टी दिखने वाली है। दोस्तों, बात करेंगे इसमें आपको ओवरऑल क्या चेंज देखने को मिलने वाला है। तो सामने से बात करें तो सामने आपको जो भी LED हेडलाइट मिलती है V3 में, उसकी विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो उसको लेकर भी काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी। तो कंपनी इसको भी इम्प्रूव करेगी। हो सकता है कि इसमें आपको RS200 जैसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएं। तो पहला चेंज तो कंपनी ये करेगी, पीछे से कुछ भी चेंज नहीं करेगी, लेकिन एक बड़ा चेंज ये भी करेगी कि इसमें आपको अब LED इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब यामाहा क्वालिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। दोस्तों, अब बात करें इसके दूसरे चेंज की, तो वो है इसका राइडिंग पोस्चर। अभी आपने देखा होगा V3 का जो राइडिंग पोस्चर वो कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव है, तो राइडर जो है वो काफ़ी लीन होकर राइड करता है, जिसके कारण अगर वो ज़्यादा दूर तक राइड करता है तो उसका जो शोल्डर और पाम है वो दोनों ही पेन करता है। लेकिन अब जो V4 आएगी, उसका जो हैंडल बार रहेगा वो थोड़ा ऊपर रहेगा, जैसे कि आपने देखा होगा हायाबूसा को भी अभी कर दिया गया है, तो वैसे ही आपको हैंडल बार ऊपर देखने को मिलेगा, तो उसके कारण आपका जो बॉडी है वो पूरा स्ट्रेट रहेगा, तो आपको कोई भी शोल्डर या हैंड पेन नहीं होने वाला। तो ये चेंज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। V3 में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन V4 में अब आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर बात करें सस्पेंशन को लेकर, तो सस्पेंशन में भी आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। अभी इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, लेकिन जब ये इंटर मार्केट में आएगी तो आपको USD फोक सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप छोटी छोटी सेगमेंट की बाइक में आपको USD फोक सस्पेंशन मिलता है, इसलिए अब यामाहा कंपनी इस बाइक में आपको USD फोक सस्पेंशन देगी, और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। दोस्तों, बात करें इसके मीटर की, तो उसके मीटर में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, आपको सेम यही LCD मीटर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाती है। अब अगर बात करें इसके इंजन की, तो इंजन में भी आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको सेम 155cc का लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक SOHC BS6 इंजन देखने को मिलेगा, जिसकी जो पावर वो सेम रहने वाली है 18.6 BHP की, और जो टॉर्क है वो भी सेम रहने वाला है 14.1 Nm का। तो इंजन में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला। टायर की बात करूँ, सामने आपको 100 Section 80 का टायर देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि पीछे अब आपको 140 की जगह 150 Section 60 का टायर देखने को मिले, और दोनों ही टायर आपको 17 inches में अवेलेबल होने वाले हैं। तो ऐसे कुछ लुक्स के साथ आपको R15 वर्जन 4 देखने को मिलने वाली है इंडियन मार्केट में। तो मेरे हिसाब से ये बाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी अगर ये वर्जन 4 में ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर देती है, क्योंकि वर्जन 3 में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं, लेकिन उन्होंने अब पूरा प्लान कर लिया है कि वर्जन 4 को एक काफ़ी बढ़िया बाइक बनाएंगे, क्योंकि अब वो सीधा सीधा उस बाइक को RS200 KTM Duke 200 जैसी बाइक को टक्कर देने के लिए डिज़ाइन करेंगे। तो मुझे लगता है कि यामाहा इस मामले में सक्सेसफुल भी हो जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी बढ़िया इंजन रिफाइनमेंट के साथ अपने इंजन को डेवलप करती है, तो उसमें आपको माइलेज भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। दोस्तों, बात करें कि ये बाइक कब लॉन्च होने वाली है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका लॉन्च अभी एक्सपेक्ट नहीं है, या तो ये आपको 2021 के एंड मंथ्स में देखने को मिल जाएगी, या फिर ये पूरी कंफर्म है कि आपको 2022 के स्टार्टिंग मंथ में ये बाइक देखने को मिल जाएगी। अब अगर बात करें कि इसका प्राइस क्या होने वाला है, तो इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस वो थोड़ा बढ़ने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि अगर इसके फीचर्स में ऐड किए जाएंगे, इसमें अगर आपको नए नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो इसका जो प्राइस वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस जाएगा वो कम से कम 1,60,000 तक जाएगा, और ऑन रोड तकरीबन 2 लाख तक आएगी। तो अगर ये 2 लाख में भी इंडियन मार्केट में ऑन रोड आती है, तब भी ये बाइक वर्थ फॉर मनी रहेगी, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी बढ़िया लुक भी देखने को मिल जाएगा, और आपको इसमें फीचर्स भी अच्छे खासे देखने को मिलने वाले हैं। सीट में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट किए जाएंगे, पीछे की सीट को और भी लंबा किया जाएगा। तो यही कुछ चेंजेस के साथ R15 वर्जन 4 इंडियन मार्केट में आने वाली है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। और आपको यहां पर मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम शो हो रहा होगा, तो जाओ मुझे वहां जाके फॉलो करो, और अगर आपको वहां कुछ डाउट है तो आप मुझे DM कर सकते हो। अभी के लिए थैंक्स, टिल देन वेट फॉर माय न्यू अपकमिंग वीडियोस।